गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्प मित्र एस पी यादव पे। दोस्तों ऑलरेडी हम देख सकते हैं आप खुले अनुकूलित वातावरण में उसे हम रिलीज करेंगे। दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, हम स्नेक को दिखाते हैं कौन कौन स्नेक पकड़े थे और कौन कौन स्नेक हम रिलीज करना है, तो वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों दिखाते हैं हम स्नेक को। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें चार स्नेक है दोस्तों, जिसमें दो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है और एक कॉमन सैंड बोआ है और एक इसमें दोस्तों कॉमन उल्फ स्नेक है। दोस्तों हम एक एक करके स्नेक को खुले वातावरण में रिलीज करेंगे, वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी, नजरें जमाए रखें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉमन सैंड बोआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें किसी तरह का पॉइजन नहीं पाया जाता है। अगर ये स्नेक बाइट कर ले तो इससे कुछ नहीं होगा, ये देख सकते हैं जिसे चीतर बोला जाता है। दोस्तों अगर ये स्नेक बाइट कर लेता है तो इससे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, इसे कॉमन सैंड बोआ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम इसे पर्यावरण में रिलीज करते हैं, आप वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं इसे आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए, जिससे घर करेत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो चॉकलेटी कलर का होता है, दोस्तों देख सकते हैं आप ये बाइट कर लिया है ये स्नेक। दोस्तों अगर ये सब स्नेक अगर बाइट करता है इससे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। दोस्तों अगर इसका हम मुँह छोड़ते हैं तो ये बाइट ही करेगा, इसलिए दोस्तों खतरा तो नहीं सांप से करवाना चाहिए। हम इसे खुले वातावरण में रिलीज कर देते हैं और इसे हम जाने देते हैं। दोस्तों कॉमन सैंड बोआ है, इसे दो मुंह से जाना जाता है। दोस्तों जो बोलता है ये करोड़ों में बिकता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसे चीतर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसे दो मुंह, दोस्तों इसमें किसी तरह का पॉइजन नहीं पाया जाता, आप देख सकते हैं। थोड़ा कैमरामैन से ये काट लिया, देखो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी बाइट कर लिया, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसका बाइट बहुत ही तेज होता है, आप देख सकते हैं जो हाथ से ब्लड चलने लगा। दोस्तों हम इसे भी हम पर्यावरण में जाने देते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा और इसमें भी स्पेक्टिकल कोबरा जिसे भारतीय नाग बोला जाता है। दोस्तों हम एक एक करके इसे हम बाहर करते हैं। दोस्तों और जो कॉमन सैंड बोआ था आप देख सकते हैं ये बाइट कर लिया था, देख सकते हैं ब्लड चल रहा है। और ये कॉमन उल्फ स्नेक जिसे घर करेत बोला जाता है, दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों स्नेक बाइट किया था। दोस्तों आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, अगर स्नेक बाइट करता है तो कॉमन सैंड बोआ और घर करेत सांप सब, तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम दिखाते हैं, दोस्तों ये स्नेक अगर बाइट कर ले तो डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि दोस्तों ये भारत का सबसे जहरीला स्नेक है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये बहुत ही गुस्सा हो गया दोस्तों, क्योंकि ये फन पे नहीं आना चाह रहा है। ये कोबरा का बेबी है दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों ये इसे भारतीय नाग बोला जाता है, इसे भी हम जंगल में जाने देते हैं, आप देख सकते हैं ये इंडियन स्पेक्टिकल का ये बेबी है। दोस्तों इसे हम भी जंगल में जाने देते हैं। तो इसमें
बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। देख सकते हैं दोस्तों ये कितना लार्ज साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज का है। दोस्तों अगर ऐसा स्नेक बाइट कर ले तो आपको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, ना कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र में। दोस्तों देख सकते हैं ये किस तरह बिग साइज अपना फन फैला के। इतना बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो अपने ये वुड पे नहीं आना चाह रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये ऐसा स्नेक बाइट कर ले तो आपको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, ना कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। ये दोस्तों अपना वुड पे तो नहीं आ रहा है दोस्तों, इसे हम उतना घेरना नहीं चाहते हैं क्योंकि दोस्तों कोबरा है, अगर ये बाइट कर लेता है तो मौत का नींद सुला देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना बिग साइज का है। दोस्तों हम इसे खुले वातावरण में रिलीज करते हैं और इसे हम जंगल में जाने देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये कितना बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। देखिए दोस्तों हम इसे पर्यावरण में रिलीज करते हैं और इसे हम भी जाने देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये चल दिया और जंगल में से हम भी छोड़ दिए। दोस्तों सनेक को हम जंगल में ऑलरेडी सबको हम रिलीज कर दिए और अपना खुले वातावरण में उसे हम छोड़ दिए। दोस्तों अगर मेरा रिलीजिंग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अपना छोटा भाई समझ के और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं किसी वीडियो में किसी सनेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।